जबरू, क्या बात है? जब तुम पिछली बार आए थे तो तब भी बड़े परेशान और उदास थे, और आज भी तुम्हारे मुखड़े पे वही बात है। कुछ समझ नहीं आ रही पिला, एक कुंजल है जो खुलती ही नहीं है। ऐसी कौन सी कुंजल है जिसने तेरे हाथों को अपनी लपेट में ले लिया? वो तो परेशान ना हो, अब ये कुंजलें तो जिंदगी के उच्च निव रस्तों में हमारे साथ साथ ही है। जबरू, वो साथ वाले पड़ोसन की कुड़ी का क्या हो गया? ये तो बड़ी खुशी की बात है, और तू उदास होकर सुना रही है। जबरू, हर कुड़ी के दिल में एक अरमान होता है। जानता हूं, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि मेरी जिंदगी का कोई एतबार नहीं है। अल्लाह मेरी जिंदगी भी तुझे लगाते। जबरू, मेरे बचपन की मांगे पहला, मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तू मुझसे मोहब्बत करती है। क्या यह हम दोनों के लिए काफी नहीं है? मेरे लिए तो तेरा एक कड़ी का आचाना ही काफी होता है। जबरू, अपने हाथ की कुड़ियों को मरो बैठ के और फिर सुहाग का जोड़ा पहन के के घर जाता देखती हूँ ना, तो दिल में ख्वाहिश से उठाती है। इस ख्वाहिश को आज के यकीन में तलाई मिला, इसलिए कि जबरू तेरे किसी यकीन को तोड़ना नहीं चाहता। और तू ये भी जानते हैं कि आजादी की जिस मंजिल की तलाश में हम सफर कर रहे हैं, उसमें औरत का साथ बंदे को कमजोर कर देता है। मैं कभी भी तेरी कमजोरी नहीं बनूंगी जबरू, और अगर तकदीर ने ऐसा मोड़ ले भी लिया तो तू मेरी वजह से अपने कदम ना रोकना, अपने हाथ ही मार देना मुझे। वादा कर जबरू। ये तो क्या कह रही है बिल्लो? बिल्लो ने तुझसे जिंदगी में पहली बार वादा मांगा है। वादा कर जबरू। वादा करके मेरा मान नहीं रखेगा जबरू? वादा कर जबरू, वादा कर। जबरू वादा करता है, वादा करता है। जीवा भाई, भाई बुढ़ापे ने तुम्हारी कमर को बल दे दिया, मगर तुमने भी अपने साथ निजाम को कभी काम में लगाया नहीं। हाँ, निजाम मेरा हाथ बटवाता है, मगर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मुझे खुद बनानी पड़ती हैं। जीवा भाई, ये क्या बना रहे हो? ये
तेरी समझ में नहीं आएंगी बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ जी आओ बैठो। तहसीलदार साहब, यार तुझे कितनी बार कहा है मुझे तहसीलदार ना कहा कर, अब मैं रिटायर हो गया हूँ। तो क्या हुआ, रिटायर हो गए हो तो नेकी के काम करने तो नहीं छोड़े ना तुमने? ये तो अल्लाह की देन है, बंदा किस काबिल है। आ भाई सिद्धिया, क्या बातें हो रही थी जीवे से? अजी बातें क्या होने हैं हुजूर, बस दिन ब दिन हालात खराब ही होते जा रहे हैं। क्या हुआ क्या हुआ भाई? होना क्या है, अब ये जो डाकू है बढ़ते ही चले जा रहे हैं। वो सिद्धे क्या हुआ? कोयला गिर गया। ओए सिद्धे, जिसे आग लगती है वो चीखता तो है, और डूबने वाला पार लगने के लिए हाथ पांव भी मारता है ना। देखिए भाई साहब, भाई आपकी बातें तो अपनी अकल से बाहर है। ओए सिद्धे, साईं के साथ मसीते जाया कर, आप ही तुझे अकल आ जाएगी। जीवा भाई, मैं इसलिए तेरे पास आके नहीं बैठता हूँ। देख मैं जब भी आता हूँ तू मुझे मस्जिद भिजवाने की कोशिश करता है। अपनी ईमानदारी से बता, कभी तूने ये दर्स डाकुओं को भी दिया? जो हक की राह पर चलते हैं ना सीधे, उन्हें सबक की जरूरत नहीं होती। लो डाकू, और वो भी हक की राह पर। अब जबरू को ले लो, क्या वो डाके मारकर अच्छे काम कर रहा है? अरे डाके कौन मार रहा है, कहां मार रहा है, ये तेरी अकल में आने वाली बात नहीं है। तूने कभी अल्लाह को देखा है? है? वो देखो अल्लाह, वो देखो अल्लाह, वो देखो अल्लाह, वो देखो अल्लाह। आपने तो मुझे डराई दिया था, मैं समझा सच में चलना आ गया। कहां हूं मैं? ओए सिद्धिया, अल्लाह हर जगह चारों तरफ उसका नूर ही नूर है, बस देखने वाली आंख चाहिए। या अल्लाह, ए मेरे पाक परवरदिगार, हम सबके गुनाह माफ कर दे। आमीन। या अल्लाह, हमारे दिलों को आजादी के नूर से मालामाल कर दे। आमीन। या अल्लाह, हमारे दुश्मनों के नापाक इरादों को मलिया मेट करते। आमीन। या अल्लाह, हमारी इस धरती को आजाद करते। आमीन। या मेरे पाक परवरदिगार, हम तेरी आजमाइश के काबिल नहीं, हमें आजमाइश में ना डाल। आमीन। हमारी मुश्किलों का आसान फरमा। आमीन। हमारी इस धरती को आजाद करा दे। आमीन। आजाद करा दे। आमीन। आजाद करा दे। आमीन। 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 लोगी साथियों, अल्लाह के नाम पे दी हुई इस नयाज में से अपना हिस्सा निकाल लो, और बाकी तमाम नयाज जो है साथ वाले गांव में तकसीम कर।